जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका मन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव 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 कांवर लेने के लिए अपनी विदाई हो चुकी है। कम से कम 6-7 दिन लगेंगे वापस आने में और सब राजी खुशी आए। शिव 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 भाई फाइनली अपना निकल रहे हैं कांवर लेने के लिए। एकदम रैंडमली प्रोग्राम बन गया, अभी तो मैं कहीं और ही था और फिलहाल इसके बाद में अभी जा रहे हैं सीधा अपना हरिद्वार के लिए कांवर लेने के लिए। और जिनकी वजह से योग बना है वो हमारे भैया हमारे दीपक भैया, ये हमारे चाचा। और चाचा कैसे हो? बढ़िया साहब। हैं कुछ बोलो, हर हर महादेव। हाँ, कैसी कैसी खुशी महसूस हो रही है आपको हमें लेके जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा। और ये हमारा हिमांशु भाई, जय भोले की। तो कैसा है, कैसी खुशी है? बढ़िया खुशी है, मजे आएंगे। चल के देखेंगे कैसी खुशी है। बोले रे भैया, जय भोले। चेहरे से झलक रही है भाई खुशी तो। जय भोले। एक भोले ये रे हमारे, भोले आगे हमारे। तो भाई देखो पूरा का पूरा ट्रैक्टर पे सामान रख लिया, ये देखो। तो भाई अपना तैयार हो गए, अभी अभी वो बिजी है, अभी बिजी है वो। तो भाई अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से बुलंदशहर से। 210 किलोमीटर है हरिद्वार, तो ऑलमोस्ट सुबह 9-10 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल भाई जैसे भी होता है सफर पूरा दिखवाएंगे आपको 6-7 दिन का। और आप लोग प्यार देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और आई की जर्नी देखते रहो। चाचा इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। बोले हर हर महादेव। तो चलते हैं भाई। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में। भाई अपना पेट्रोल पंप पे आए पेट्रोल भराने के लिए, और देखो पूरा का पूरा सामान इस तरह से है, पूरा डोली बनेगी ना, ये देखो पूरा का पूरा भरा पड़ा है। कुछ भाई लोग ऊपर भी हैं। तुम भी ब्लॉग बना रहे हो क्या? अच्छे है भाई, बढ़िया। हाँ भाई काट रहे हैं टाइम ऐसे ही। ये भाई इसमें पूरा सामान वगैरह रखा हुआ है, इसमें जनरेटर इधर रखा हुआ है। ये तो भाई ऐसे करके पूरी बनेगी बढ़िया करके, और कसम से मजा आएगा, पूरा का पूरा सफर दिखाऊंगा आपको। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। तो फाइनली भाई अपना मेरठ आ गए हम। ऑलमोस्ट हमें 3-4 घंटे लग गए यहाँ तक आने में, और अभी रात के बज रहे हैं 2। और अभी रुके हैं भाई चाय पीने के लिए चाचा के पास में। और चाचा कैसे हो तुम? बढ़िया, मस्त कट रही है जिंदगी। छतारी से आए चाय बनाने को। इसका छतारी से बहुत दूर से आए, बुलंदशहर से। हाँ हम भी बुलंदशहर से ही हैं। चाचा तो अपने पड़ोसी निकले बुलंदशहर से। मेरा शिकारपुर में है मुन्नी नगला। अच्छा मेरी माता जी कहाँ है? ढूंसरी। ढूंसरी सुना हो आपने? वही है। चलो भाई अपना मस्त अपना चाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से थोड़े आगे के लिए। और बढ़िया चली रहे भी तो। अभी भाई हम अपना बुलंदशहर से 103 किलोमीटर दूर आ गए, और अभी यहाँ से हरिद्वार 107 किलोमीटर बाकी है। और अभी ऑलमोस्ट लगा लो सुबह के 4:30 बज चुके हैं। अपना यहीं पे सब लोग सो रहे हैं मस्त अपना भाई। ये देखो भाई सब लोग सो रहे हैं, तो अंधेरा हो रहा है काफी ज्यादा यहाँ पे। अभी थोड़ा आराम कर लें, उसके बाद में 1-2 घंटे बाद फिर दोबारा से यहाँ निकलेंगे आगे के लिए।
और अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा रात को यहाँ पे सोएंगे कैसे, मच्छर खा रहे हैं बहुत भयंकर करके देखो सब पड़े एक दूसरे के ऊपर और इतने मोटे मोटे तो थोड़ा पड़ रहे हैं बहुत भयंकर खा रहे हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ अपना कल कैंपिंग टेंट मंगा लूँ, क्योंकि दोस्त आएंगे ना बुलंदशहर से अभी आ रहे हैं, तो सोच रहा हूँ उनसे कहूँ कि भाई मेरा कैंपिंग टेंट ले आओ, मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा चलो कैसी न कैसी मैनेज हो जाएगा, लेकिन भाई नहीं हो पाएगा भाई, बहुत भयंकर है भाई साहब, पूरी रात सो नहीं पाए लगा लो, मच्छरों ने बहुत बुरा हाल कर दिया। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं अपना हरिद्वार के लिए, तो ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। अभी फिलहाल रुके हुए थे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, अभी चाय पी है और चाय पी के बस निकलने आए के लिए। नींद कैसी आई? बेहतरीन आई, मच्छर खा गए आज तक नहीं आई होगी ऐसी नींद कभी। तो भाई ये है कि सबकी जो है होश उड़े पड़े हैं, कोई भी सोया नहीं है पूरी रात से, 5-10 मिनट के लिए नींद लगी उसके बाद मच्छरों ने बहुत बुरा हाल कर दिया। अभी फिलहाल निकल रहे हैं। चाचा तुम सोए? नहीं सोए, इतने मोटे मोटे बैठ जाओ वहीं। तो देख लो भाई कुछ इस तरह से हाल हो रहा है, और पूरा का पूरा अपना लोड हो रखा है इसमें सिस्टम, और बैठो चलो चलो सीधे हरिद्वार। धतूरा अंग रगड़ूं तेरा, रगड़ूं धतूरा ताज करूंगी तेरा, पूरा हुक्म बजाऊं तेरा पूरा, तुझे पिलाऊं पीवेगा नादिया, तुझे पिलाऊं पीवेगा नादिया, और जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी लूंगी। सो फाइनली भाई हम आ चुके हैं आपका हरिद्वार में। सुबह आ गए थे 12:30 बजे के आसपास में, और जब से भाई सो ही रहे थे बहुत भयंकर नींद आ रही थी। अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग नहाने के लिए। ये देखो भाई पूरा ये गंगा नदी है, पूरा वहाँ से निकल के आ रही है ऐसे। तो अभी जा रहे हैं यहाँ पर नहाने के लिए, उसके बाद में भाई अपना खाएंगे पिएंगे और आराम से सो जाएंगे। और आज पूरे दिन में और जो भाई लोग थे उन्होंने जो पूरा सेटअप था कांवर का, वो रथ यात्रा टाइप में निकाल के लेके जाएंगे, और हम लोग लेके जाएंगे जल अपना आगे बांध के आगे की साइड में। तो भाई अपना फल मजा आया यहाँ तक आने में, ये लगा लो कम से कम कुछ नहीं तो 13-14 घंटे लग गए हमें यहाँ तक आने में क्योंकि भाई ट्रैक्टर की स्पीड आपको पता ही है 20-25 से ऊपर तो जाता है नहीं, लेकिन भाई मजा आया कसम से। हैं उन्होंने चलाया लास्ट में जब तो मैं सो गया था भाई, तो जाते के साथ ही भाई आँख लग गई बहुत भयंकर, सो गए। उसके बाद में जस्ट अभी उठे, अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे नींद सी आ रही है। और देखो ये पत्थर देखो, और ये देखो भाई ट्रैक्टर लेकर कहाँ घुस रहा है ये, और ये देखो पत्थर कितने भयंकर हैं, इनमें फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो फिलहाल भाई जा रहे हैं अपना नहाने के लिए, और आप लोगों को अगर मेरी यात्रा पसंद आ रही हो तो कमेंट में हर हर महादेव तो बिल्कुल लिखना मत भूलना, कम से कम 6-7 दिन तक हर हर महादेव के नारे लिखे चले जाओ भाई, उसके बाद में ना आपका भाई मस्त अपनी यात्रा कम्प्लीट करेगा। है वो वाला मंदिर कौन सा मंदिर है? एक ये मनसा देवी का है ना ये? देखो भाई ये सामने वाला मंदिर है, यहाँ पे एक चंडी देवी का मंदिर है और वो मनसा जी देवी का मंदिर है वहाँ पे है उस साइड में। तो अभी फिलहाल चलते हैं भाई नहा धोने अपना, बहुत अपनी कसम गर्मी में बुरा हाल हो गया, मच्छरों ने तो रात सोने भी नहीं दिया, एक जगह रुके थे थोड़ी देर सोने के लिए लेकिन सो नहीं पाए, और उस साइड तो वीडियो वैसे ही नहीं बना पा रहे क्योंकि वहाँ पे डीजे की टेस्टिंग चल रही है, सब डीजे बजा रहे हैं अपने भयंकर भयंकर करके। ना ये रख लें इस साइड में रख लेते हैं चल। तो भाई अभी अपना सामान रख दिया है यहाँ पे, और फिलहाल अभी जा रहे हैं हम लोग नहाने के लिए, नहाने के बाद में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अपने बोल मजे आ रहे हैं, देख लो यहाँ पे दवा के स्पीकर चल रहे हैं, स्पीकर टेस्टिंग हो रही है पूरे में, और देखो जय बोले की हर हर महादेव, और सब सो रहे हैं भाई ऐसे करके, देखो पूरा भाई लोग कुछ इधर सो रहे हैं, पूरा सामान इधर अपना यहाँ पे सेटअप हो रहा है पूरा का पूरा डीजे का, और यहाँ पे अपना रथ यात्रा की तैयारी हो रही है। हाँ और भाई बोल मजे आ रहा है हर हर महादेव भाई, गुड नाइट, टेक केयर।